नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। पाकिस्तान खैर चाहता है तो नापाक हरकतें बंद करे, राजनाथ सिंह ने कहा। भारत के मामलों में टांग अड़ाने के मुद्दे पर पाकिस्तान को दो टूक संदेश देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी खैर चाहता है तो उसे अपनी नापाक हरकतों से बाज आना चाहिए। सिंह ने जम्मू में जनकल्याण पर्व को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान को दूसरे देशों के मामलों में दखल देना बंद करना चाहिए। गृह मंत्री ने भारत के सम्मान, अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को देश भरपूर जवाब देगा। भाजपा ने कहा, सब कुछ लुटाकर होश में आए हैं मनमोहन। भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश का सब कुछ लुटाने के बाद चारों तरफ से घिरने पर उन्होंने आत्मरक्षा में अपनी चुप्पी तोड़ी है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि डॉक्टर सिंह अब चुप्पी तोड़ रहे हैं जब सब कुछ लुट चुका है। यह सच्चाई सबके सामने है कि उन्होंने अपने 10 साल के शासनकाल में भ्रष्टाचार की अनदेखी की थी। जब देश 2G, कोयला आवंटन और राष्ट्रमंडल खेल घोटालों के बारे में उनसे प्रश्न पूछ रहा था तो उनका जवाब था कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। प्रियंका गांधी वाड्रा का स्मृति ईरानी से सवाल। प्रियंका गांधी वाड्रा ने नेहरू गांधी परिवार पर आरोपों की झड़ी लगाने वाली केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से बुधवार को सवाल किया कि वे रायबरेली में IIT क्यों नहीं बन पाती। मां सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची प्रियंका ने कहा कि स्मृति अब मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, ऐसे में रायबरेली में वायदे के अनुरूप IIT की स्थापना करने में क्या बाधा है। उल्लेखनीय है कि स्मृति ने मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत गांधी नेहरू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा था कि अब तक कोरे वादे स्वीकार करती रही अमेठी की जनता अब विकास देखेगी। सांसद हेमा मालिनी को थमा दिया बंद ट्रेन का टिकट। मथुरा रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के उद्घाटन के अवसर पर स्थानीय सांसद हेमा मालिनी को विशेष लोकल ट्रेन का टिकट थमा दिया गया, जबकि यह रेल लगभग एक माह से बंद पड़ी है। हेमा से जब टिकट लेकर टिकट घर का शुभारंभ करने को कहा तो उन्होंने उन लोगों से ही पूछ लिया कि वे कहां का टिकट लें। इस पर किसी ने कहा कि वृंदावन का टिकट खरीद लीजिए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।